हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। वी हैव स्टडीड द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टुडे वी विल स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ टू टाइप ऑफ द फंक्शन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ बोथ दीज टू वर्ड्स। आई मीन टू से व्हाट द मीनिंग ऑफ implicit function and what is the meaning of explicit functions. तो देखिए, number one है explicit function, ठीक है, and second one is implicit function. क्या होते हैं दोनों ये देखिए, एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म ऑफ एक्स और इन टर्म ऑफ वाई, या फिर हम यूं कहें अपने फंक्शन के बारे में जो ये एक्सप्रेस मतलब जो है ये फंक्शन, ये वो फंक्शन होते हैं जिनमें आप वाई को एक्स के टर्म में स्पष्ट तौर पे आप एक्सप्रेस यानी कर सकते हो, तो हम ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए हम एक ले लेते हैं एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर फंक्शन। बट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स इन इजी वे। कैसे हम कह देंगे क्या कि ये x माइनस वन इक्वल टू टू वाई और y इक्वल टू बन जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस वन। नाउ वी हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म ऑफ x इन इजी वे, दिस इज why दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है अगर उसमें हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस इजी वे में अगर हम यानी कर सकते हैं, देन सच टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जस्ट इसका अपोजिट है, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। आई मीन टू से व्हाट, सच फंक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x इन इजी वे, सच फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। लाइक दैट हम कह देते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कि हम वाई टर्म को एक्स के यानी वाई को हम एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम इजी तौर पे हम जानते हैं, हमारा यहाँ पे वाई फंक्शन है एंड वेरिएबल हमारा जो है वो एक्स है, दिस इज वाई वी विल differentiate our function y with respect to x and we can easily find dy upon dx. But now we are talking about implicit function here. So let's find how to differentiate such functions. तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक example ले लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं xy plus y square equals to 10x plus y. Obviously we have to find dy upon dx. I mean to say that we have to differentiate this function with respect to x. तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम लिख देते हैं differentiating with respect to x, क्या बन जाएगा derivative of xy plus derivative of y square equals to derivative of that is 10x plus derivative of y. I mean to say what, we will differentiate each term in given function, ठीक है, वहां से आप इच टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर वहां से आप dy upon dx इन इजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए भाई, अब हम क्या करें, यहां पे xy को हमें डिफरेंशिएट करना है, ऑब्वियसली टू डिफरेंशिएट दिस xy वी विल यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला। कैसे हम कह देंगे x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, प्लस नाउ y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव
इट विल sec स्क्वायर एक्स एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा वन, यहां रह गया वाई, प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि आवर टारगेट इज टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, हेंस हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स के जितने भी टर्म है हम वो एक हैंड पे हम इकट्ठे करेंगे और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जितने भी टर्म है वो हम अदर हैंड पे हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे हम कॉमन एंड नाउ वी कैन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए कैसे, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यहां से हमने एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये सारे डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म इकट्ठे हो गए। अब विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म इसमें क्या है, इधर दैट इज ओनली वाई, वाई को आप इधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे हम कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन लिए तो यहां रह जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई। नाउ यू कैन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवेन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों कहा, बिकॉज इन दिस फंक्शन वाई कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स इन इजी मेथड, दिस इज वाई वी आर सेइंग दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, नाउ हम कुछ और भी एग्जांपल लेके हम डिफरेंशिएशन फाइंड हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल और है, और एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। अब आपने ये सोचना है क्या इस फंक्शन में वाई को एक्स के टर्म में इन इजी मेथड हम एक्सप्रेस हम यानी कर सकते हैं, ऑब्वियसली इट कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स, दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ठीक है, अब हमें यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, मींस हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें जितने भी टर्म्स है ईच टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन टर्म इज एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वन टर्म इज दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81। ठीक है, तो यहां पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2x। ठीक है, प्लस इसमें हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो करिए x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस नाउ y एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx और 81 चूंकि कांस्टेंट है दिस इज y डेरिवेटिव ऑफ 81 विल बी 0, तो यहां लिख देते हैं 0। अब आपके सामने इजी है, आप जानते हैं कि हमें dy अपॉन dx को हमें लेना है कॉमन और सॉल्व करना है, पहले इसको हमें और डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 2x प्लस x y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो यहां रह गया y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें dy अपॉन dx और इसमें dy अपॉन dx, तो इनमें dy अपॉन dx हम लेंगे कॉमन, चूंकि इन दोनों में dy अपॉन dx नहीं है इसलिए हम इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहां रह जाएगा x प्लस 2y dy अपॉन dx। अब
इनको हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस वाई, ठीक है। दोनों टर्म ये नेगेटिव हो गए। एक काम करते हैं अपने अच्छे के लिए, हम इसमें से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बन जाएगा माइनस और ये साइन आ जाएगा, यानी प्लस का माइनस हमने कॉमन ले ली। अब चूंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx इक्वल टू बन जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 2y, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज और आ जाती है अदर मेथड है एक। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन इन विच वन फंक्शन इज पावर ऑफ अनदर फंक्शन। मीन्स वॉट? कोई भी फंक्शन है, मान लो एक एफ एक्स फंक्शन है, इसकी भी पावर एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जाम्पल पे हम कह दें जैसे एक्स की पावर साइन एक्स इसको फॉलो कर रहा है, या फिर यू कह सकते हैं साइन एक्स की पावर एक्स इसको फॉलो कर रहा है, या फिर यू कह सकते हैं एक्स की पावर एक्स इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी है जिसमें अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में चल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा? तो जिस मेथड से हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उस मेथड को हम कहते हैं लॉगरिथम। Means differentiation of the functions using logarithm function. तो देखिए हम सीख रहे हैं using logarithm कैसे। सपोज कर लो कि मैंने यहां पर एफ एक्स को ले लिया u और जी एक्स को ले लिया हमने v, तो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू बन जाता है u की पावर v, गॉट इट। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन फंक्शन इन विच u एंड v बोथ आर रिप्रेजेंटिंग फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हम करते हैं सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोथ साइड में लॉग लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड लीजिए भाई, तो हम कह देंगे लॉग वाई इक्वल टू बन जाएगा लॉग, हम कह देंगे यू रेज टू वी। ये आप जानते हो फॉर्मूला है कि लॉग एन की पावर एन इक्वल टू बनता है एन लॉग M, है ना। चलिए अप्लाई करते हैं तो बन जाएगा log y equals to ये पावर आगे आ जाएगी means v log u, ठीक है। अपने माइंड में ध्यान रखिए कि v एंड u बोथ आर रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, ठीक है। u इज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स एंड v इज रिप्रेजेंटिंग जी एक्स। चलिए नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू हम कह देते हैं x, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा, अब हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ v डॉट log u। चूंकि यहां पे दो फंक्शन चल रहे हैं इसलिए यहां पे हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टू डिफरेंशिएट दिस वी विल अप्लाई प्रोडक्ट फॉर्मूला। अप्लाई करिए तो देखिए पहले log y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 अपॉन y और y का बन जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं हम प्रोडक्ट मतलब फॉर्मूला, तो हम क्या कहेंगे v as it is and derivative of log u plus log u as it is and derivative of v, ठीक है। क्या बन जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू v एज इट इज, ठीक है। तो ये बन जाएगा v अपॉन u
v अपॉन यू, ठीक है। चूंकि यहां पर तुम्हारा x में, यहां पर फंक्शन हमारा जो u का है वो x में है, इसलिए यहां पर du अपॉन dx लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहां पर अगर हम कहें कि भाई यहां पर du अपॉन dx भी आएगा, ठीक है, वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारा ऑलरेडी जो u फंक्शन है वो x वेरिएबल में है। दिस इज वाई ये यहां पर v अपॉन u रहेगा, ठीक है। प्लस क्या हो गया, log u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव बन जाता है dv अपॉन dx, यानी v को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। v हमारा फंक्शन क्या है यहां पे, gx है, मींस gx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां पे, हम ये कह देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू y को इधर ले आइए, y ये बन जाएगा v अपॉन u प्लस log u और dv अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है आपके पास में, y की वैल्यू है u रेज टू v, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू u रेज टू v, और ये बन जाएगा v अपॉन u प्लस log u डॉट dv अपॉन dx। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। हम इस मेथड का यूज करके हम इस टाइप के फंक्शंस का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जैसे हमने ले लिया ये x की पावर x ले लिया, इसमें u क्या है भाई, ux है, v क्या है, x है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां पे, आप इसमें लगाइए, हम कह देंगे dy, हम कह देंगे dy अपॉन dx, ये तुम्हारा y चल रहा है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, अब u भी x और v भी x, तो इसमें बन जाएगा क्या बन जाएगा, u की पावर v यानी x की पावर x, ठीक है। फिर बन जाएगा v अपॉन u यानी कि ये u और ये v, तो ये बन जाएगा x अपॉन x प्लस ये बन जाएगा log, फिर क्या है u, u यानी कि x एंड डेरिवेटिव ऑफ v क्या है x, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या बन गया भाई, हम कह देंगे dy अपॉन dx बन जाता है x की पावर x, ये रह गया कितना, ये रह गया कट के 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रह गया 1 प्लस log x, ये सीधे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, आप इसको चाहो तो यूं भी कर सकते हो, कैसे, ये हमारे पास y इक्वल टू x की पावर x है, आप सीधे लॉग लीजिए, हम कहेंगे टेकिंग log both side, तो बन जाएगा log y equals to log x raised to x, यानी log y equals to x log x, ठीक है। अब हम करते हैं differentiating with respect to x, तो क्या बन जाएगा derivative of log y equals to, हम कह देंगे derivative of x log x, इसमें क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो लगाइए क्या बन जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू इसमें x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस अब log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x, क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो x मल्टीपल 1 अपॉन x, x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस अब ये log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1, ठीक है। यहां पे x से x कैंसिल, तो यहां रह गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x। अच्छा हमें तो ये निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए
वाई को इधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, वाई मल्टीपल वन प्लस लॉग एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई की वैल्यू है एक्स एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पर रख दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स रेस टू एक्स। तो देखिए आज हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन को स्टडी किया, एक्सप्लिसिट मतलब फंक्शन को स्टडी किया, और हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यूजिंग लॉग से हमने स्टडी किया है, कल हम इसको स्टडी करेंगे कुछ और यानी एग्जांपल लेंगे और डिटेल में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट फंक्शंस यूजिंग लॉग मेथड। थैंक यू।